हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आपका भाई हाजिर है नई वैकेंसी के साथ। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है यहाँ पे विद्युत मंत्रालय की तरफ से। बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा और बहुत ही तगड़ी वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 500 से ज़्यादा पद आपको देखने को मिल जाएंगे और ये सारी वैकेंसी मेरे भाई फ्रेशर कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। इसके अंदर किसी भी टाइप का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, फ्रेशर कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपका सरकारी नौकरी देखने को मिलेगा, परमानेंट जॉब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपका नहीं रहने वाला, सरकारी नौकरी के रिगार्डिंग ही ये भर्ती आपको देखने को मिलेगा। पदों के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको जूनियर इंजीनियर के पद देखने को मिल जाते हैं। जेई के पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पे आपको भर्ती देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे आपको सेफ्टी इंजीनियर के पदों पे वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। सुपरवाइजर के पदों पे वैकेंसी देखने को मिल जाएगी एंड यहाँ पे आपको ट्रेनी के पदों पे भी वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पे आपकी सैलरी बहुत ही तगड़ी देखने को मिलेगी। अगर हम सैलरी के बारे में बात करें तो जूनियर इंजीनियर का जो सैलरी आपका रहेगा वो आपका रहेगा 35,000 रुपये के अप्रॉक्स आपका मंथली सैलरी देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर की सैलरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा 47,000 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिलने वाला है। तो कैसे अपने को अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, साथ ही साथ यहाँ पे आपका जॉब लोकेशन क्या रहेगा और आपका यहाँ पे CTC क्या रहेगा, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे वीडियो के अंदर। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। और यूट्यूब पे सबसे पहले अपडेट दे रहा हूं इसी बात पे यार, वीडियो को लाइक कर देना। जो आपका लाइक का टारगेट रहेगा 700 प्लस आपको लाइक करवा देना है। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को दबा के शेयर कर देना है बिना कंजूसी किए। और जब भी आप वीडियो को लाइक करते हैं हमको मोटिवेशन मिलता है इससे बेहतरीन वीडियो बनाने का। और एक चीज का ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपनी ब्रांच को कमेंट करके बता दीजिएगा कि कौन सी ब्रांच में डिप्लोमा BBTech की है, कौन से ट्रेड के अंदर IT की है और आपका पास आउट ईयर कौन सा है। इससे क्या होगा कि आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो आपकी ब्रांच और आपके ट्रेड से रिलेवेंट आपको देखने को मिलेगी और इनडायरेक्टली वहां पर आप लोगों को फायदा होगा। और मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है तो जरूर से जाके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पे आपको प्रीमियम टाइप की जॉब का अपडेट देखने को मिल जाएगा जो कि अक्सर मैं YouTube पे अपलोड नहीं कर पाता और YouTube पे सारी जॉब्स का अपडेट देना पॉसिबल नहीं रहता। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करके रखिएगा फॉर ए प्रीमियम जॉब अपडेट के लिए। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाले आइकन है उसको दबा दे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपको भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा एज वेल एज मैंने उसको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है, आप वहाँ पे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपका डाउनलोड हो जाएगा, इसको रीड आउट कर पाएंगे। अब बात की जाए यहाँ पे वैकेंसी के बारे में तो यहाँ पे जो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। MPPGCL की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे डाउट है कि यहाँ पे ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मैं UP से बिलोंग करता हूँ, दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ? बिल्कुल आप एलिजिबल इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल इसको अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी शर्त रखी गई है। अब शर्त क्या है वो आप सुन लो। देखिए अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी MP डोमिसाइल आपके पास है तो आपको यहाँ पे रिजर्वेशन का बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं लाइक UP से बिलोंग करते हैं या फिर अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आप यहाँ पे अप्लाई तो कर पाएंगे लेकिन एज ए जनरल कैंडिडेट यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने मेंशन कर दिया है कि एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या रहेगा और यहाँ पे नोटिफिकेशन का डेट मेंशन कर दिया है 21 फरवरी 2023 का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको दो टाइप की पोजीशन देखने को मिलेगी, दो टाइप के डिपार्टमेंट रहेंगे। पहला डिपार्टमेंट रहेगा आपका यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे, मतलब कि सरकारी नौकरी का डिपार्टमेंट रहेगा। दूसरा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, जिसके अंदर आपको बोलते हैं हम इसको संविदा के बेसिस पे वैकेंसी निकाला गया है। लगभग 5 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जो कि एक्सटेंड भी कर दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर जितनी भी पावर सेक्टर की कंपनी है उसका बारे में यहाँ पे बताया है, तो आप इसको अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। साथ ही साथ वैकेंसी के बारे में बात करें तो यहाँ पे पार्ट ए के अंदर दे रखा है यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे जितनी वैकेंसी निकाली गई है उसी के बारे में यहाँ पे इन्होंने ब्यौरा दे रखा है। और ये रेगुलर बेसिस पे जितनी वैकेंसी है सारी की सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी इंजीनियर वालों के लिए। अगर आपने डिप्लोमा किया है, BBTech किया है, तो आप लोगों के लिए वैकेंसी देखने को मिलेगी। सारी टेक्निकल भर्ती यहाँ पे निकाली गई है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि आपका पोस्ट क्या रहेगा उसके बारे में बता दिया है। आपका पोस्ट टाइप क्या रहेगा, रेगुलर रहेगा, रेगुलर रेगुलर मतलब कि सरकारी नौकरी आपको देखने को मिलेगी। पोस्ट कोड क्या रहेगा और यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। यूआर एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाइज वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे टोटल नंबर वैकेंसी को मेंशन कर दिया है। अब बात करते हैं वन बाय वन वैकेंसी के बारे में। तो पहली वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा असिस्टेंट इंजीनियर का, जिसके अंदर आपका डिपार्टमेंट रहेगा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का और ट्रांसमिशन का। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, पोजीशन आपका ट्रेनी का रहेगा, मतलब कि यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे बीबीटेक किया है तो आप असिस्टेंट इंजीनियर की पोजीशन के लिए एलिजिबल, इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप जूनियर इंजीनियर की पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इवन अगर आप जूनियर इंजीनियर की पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने बीबीटेक भी किया है तो भी आप जेई की पोजीशन के लिए एलिजिबल, इसको अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो पहली पोजीशन आपको देखने को मिलेगी असिस्टेंट इंजीनियर का, टोटल वैकेंसी यहाँ पे 13 निकाली गई है, इलेक्ट्रिकल का डिपार्टमेंट रहेगा। नेक्स्ट वैकेंसी देखने को मिलेगी एक का और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सिविल का डिपार्टमेंट। तो अगर आपने यहाँ पे बीबीटेक कर रखा है सिविल के अंदर आप इसको अप्लाई कर पाएंगे, सरकारी नौकरी देखने को मिलेगी। 6 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। नेक्स्ट वैकेंसी देखने को मिलेगा अकाउंट ऑफिसर का, फाइनेंस डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपने बीकॉम कर रखा है, बीबीए कर रखा है या फिर अगर आपने एमबीए कर रखा है फाइनेंस के अंदर, आप इसके एलिजिबल, इसको अप्लाई कर सकते हैं। 46 नंबर ऑफ वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट वैकेंसी निकाला गया फायर ऑफिसर का, ट्रेनिंग का पोजीशन रहेगा, डिप्लोमा किया है, बीबीटेक किया है, किसी भी ब्रांच के अंदर आप एलिजिबल, इसको अप्लाई कर सकते हैं। 2 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। लॉ ऑफिसर का वैकेंसी देखने को मिलेगा, तो अगर आपने यहाँ पे एलएलबी कर रखा है आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। 2 वैकेंसी यहां पे निकाला गया है। शिफ्ट केमिस्ट का वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर अगर आपने बीएससी कर रखा है केमिस्ट्री के अंदर और केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट आपकी डिग्री के अंदर है, आप इसके लिए एलिजिबल, इसको अप्लाई कर सकते हैं। 15 वैकेंसी यहां पे निकाला गया है। मैनेजर एचआर का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, तो यहां पे अगर आपने एमबीए कर रखा है एचआर के अंदर आप इसके लिए एलिजिबल, इसको अप्लाई कर सकते हैं। 10 वैकेंसी आपके यहां पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट वैकेंसी निकाला गया जूनियर इंजीनियर का, जो कि डिपार्टमेंट रहेगा आपका मैकेनिकल का। तो अगर आपने बीबीटेक किया या फिर डिप्लोमा किया है मैकेनिकल के अंदर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 53 नंबर ऑफ वैकेंसी आपके यहां पे देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात करें तो जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी निकाला गया इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के अंदर। तो अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा किया है, बीबीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 17 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ नेक्स्ट वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा जूनियर इंजीनियर का और असिस्टेंट इंजीनियर का, डिपार्टमेंट रहेगा ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का, इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा किया है, बीबीटेक किया इलेक्ट्रिकल के अंदर, आप एलिजिबल है। 240 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर का और यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर का वैकेंसी देखने को मिलेगा सिविल डिपार्टमेंट के अंदर, जो कि आपका रहेगा 40 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अगर आपने डिप्लोमा किया है, बीबीटेक किया है सिविल के अंदर, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पे आप देख सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी देखने को मिलेगी वो सारी के सारी नॉन टेक्निकल का भर्ती देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आप देख सकते हैं मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव का, लॉ ऑफिसर का, लीगल एग्जीक्यूटिव का, मैनेजर का, एचआर का, 9 वैकेंसी यहां पे निकाली गई है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट और परमानेंट आपको देखने को मिलेगा, लगभग 450 के करीब वैकेंसी यहां पे आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ बात की जाए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो चैप्टर 1 के अंदर बताया था वो आपका सारा रेगुलर बेसिस पे वैकेंसी देखने को मिलेगा, और जो चैप्टर 2 के अंदर है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी देखने को मिलेगा, जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें, जो कि आपका जानना जरूरी है, यहाँ पे डायरेक्टली आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, सीबीटी एग्जाम होगा, उसी के बेस पे आपको सिलेक्शन देखने को मिलेगा। 100 मार्क्स का आपका यहाँ पे एग्जाम होगा और 100 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि 75 क्वेश्चन आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड आएंगे, आपकी ब्रांच जो भी है सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसी से रिलेटेड आपको 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड और एप्टीट्यूड से रिलेटेड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। 2 घंटे का समय आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली, तो आप सारे क्वेश्चन भी यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखा जाए कि आपका जो फाइनल सिलेक्शन रहेगा वो आपका सीबीटी एग्जाम के बेस पे रहेगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसमें कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं रहेगा, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ बात की जाए कि यहाँ पे आपको टेस्ट के सेंटर कौन कौन से देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने मेंशन कर रखा है भोपाल, जबलपुर, इंदौर, सतना, उज्जैन और ग्वालियर, ये आपको सेंटर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा और अपने पेपर को अटेंड करना पड़ेगा। साथ ही साथ देखा जाए यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में कि एप्लीकेशन फीस क्या रहेगा। देखिए, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे 1200 रुपये पे करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पे एसएसटी ओबीसी कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं और आपके पास एमपी डोमिसाइल है तो आपको यहाँ पे 600 रुपये पे करने पड़ेंगे। वहीं अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपकी कैटेगरी कोई भी है तो आपको यहाँ पे 1200 रुपये ही देने पड़ेंगे, जो कि जनरल कैंडिडेट के अंदर अप्लाई करने का फॉर्म फीस रखा गया है।
तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें, यहाँ पे जो इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है 24 फरवरी से, मतलब कि आज ही के दिन ये स्टार्ट हो चुका है। और जो इसका लास्ट डेट देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा 16 मार्च इसका लास्ट डेट रहेगा, तो आपको जल्दी से अप्लाई कर देना है। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको अगर अप्लाई वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए अप्लाई वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इसका अप्लाई प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। साथ ही साथ यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया, वहाँ पे क्लिक करके आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे चाहिए जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है। साथ ही साथ यहाँ पे बात की जाए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में कि आपका यहाँ पे ऑनलाइन प्रोसेस क्या रहेगा, सारी चीज़ यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दी है। स्टेप फर्स्ट में क्या रहेगा, सेकंड में क्या रहेगा, इसको आप अच्छे से चेकआउट कर लीजिएगा। और यहाँ पे इन्होंने नीचे सिलेबस भी प्रोवाइड करवा दिया, तो आप उसको भी अच्छे से देख सकते हैं। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, एज वेल एज मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया, वहाँ पर भी चेकआउट कर लीजिएगा। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपकी ब्रांच कौन सी, आपका ट्रेड कौन सा है, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको उससे रिलेवेंट देखने को मिले। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।